हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपनी फिजिक्स को कैसे आप बेस्ट बनाएं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाएं। दोस्तों, फिजिक्स को स्ट्रांग करने के मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं यहां पर, जिसको अप्लाई करके आप अपनी फिजिक्स को बेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिजिक्स में सबसे पहले आप जान लीजिए कि फिजिक्स में क्या क्या हम पढ़ते हैं। फिजिक्स में देखिए कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हैं, और आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स के कोई भी चीज को अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल से आप रिलेट कर ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको फिजिक्स समझ में आ गई है, अदरवाइज आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप फिजिक्स को अपने स्ट्रांग करेंगे और फिजिक्स के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बनेगा और फिजिक्स आपको समझने में और पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगी। चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला टिप मैं आपको जो देना चाहूंगा, आप डेली लाइफ एग्जांपल से सोचिए, प्रैक्टिकल सोचिए। फिजिक्स में जितना आप प्रैक्टिकल सोचेंगे उतनी आसानी से आप फिजिक्स को समझ पाएंगे और फिजिक्स उतना ही आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे अगर आप मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन पढ़ रहे हैं तो आप मोशन को सोचिए कि मोशन क्या है, कैसे मोशन होती है, कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं जो हम डेली लाइफ एग्जांपल में देखते हैं। आप लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट के बारे में सोचिए कि हम कहां कहां से उसके सोर्सेज देखते हैं, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, कैसे लाइट चलती है, लाइट का क्या यूज है, लाइट के क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इस तरह से आप सोचिए। और दूसरी टिप मैं आपको बताना चाहता हूं, और दूसरा काम आप ये करिए कि आप एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। जैसे अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं तो कोचिंग की अलग नोटबुक, स्कूल की एक अलग नोटबुक, अपनी एक सेल्फ नोटबुक बनाइए। उसमें आप जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो आप रिफ्लेक्शन से क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या क्या समझा, आप क्या चीज रिफ्लेक्शन से समझे, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल कहां देखते हैं, क्या क्या उसमें डेरिवेशन है, तो उनको आप अलग से लिखिए। सेल्फ लिखेंगे तो आपको लर्न भी होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में आपके माइंड में रहेगा और उसको आप रेगुलर उसको आप रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तीसरा पॉइंट जो मेरा दोस्तों है, डेरिवेशंस। देखिए डेरिवेशंस को आप क्या करिए, मल्टीपल टाइम सॉल्व करिए, यानी ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करिए। अगर आप एक डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा क्लास 12th में, या आपने बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ा क्लास 11th में, तो उनको आप कई बार सॉल्व करिए, मल्टीपल टाइम उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा और आपको कहीं और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास वो दिमाग में रहेगा तो उसको आप सॉल्व प्रॉपरली बार बार कर सकते हैं। तो एक डेरिवेशन को आप 4 से 5 बार लगाइए, वो क्या हो जाएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको वो लर्न भी होता जाएगा। आप कोचिंग से पढ़कर आए, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपके दिमाग में कभी नहीं जाएगा, इसलिए सेल्फ लीजिए और सेल्फ उसी कॉपी में जो सेपरेट नोटबुक आपने बनाई है उसमें मल्टीपल टाइम उसको सॉल्व करिए, देखिए वो आपके दिमाग में बहुत ही आसानी से वो चीज आ जाएगी। और दोस्तों मेरी चौथी टिप जो है वो आप ये करिए, स्टडी रेगुलरली, आप रेगुलरिटी लाइए फिजिक्स में। जैसे अगर आप मैथ्स को 2 घंटे देते हैं तो फिजिक्स को भी 2 घंटे रोज दीजिए। अपना टाइम शेड्यूल ऐसा बनाइए जिससे आप फिजिक्स को रेगुलर टाइम दे पाए। अगर आप देखेंगे, अगर आप फिजिक्स को रेगुलर टाइम दे पा रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से फिजिक्स आपकी बढ़िया हो जाएगी और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो मुझे वो सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगेगा। यही तरीका है फिजिक्स को अच्छा करने का, रेगुलरिटी ला दीजिए फिजिक्स में। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे रोज फिजिक्स पढ़िए, एक भी दिन आप एब्सेंट मत करिए उसमें। ऐसा भी मत करिए कि एक दिन 7 घंटे पढ़ा और 4 दिन हमने छोड़ दिया तो आप एवरेज टाइम निकाल के देखेंगे तो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप रेगुलर फिजिक्स को पढ़िए। अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं तो 2 घंटे रेगुलर दीजिए, रेगुलर बेसिस पे दीजिए। उससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इंटरेस्ट आता रहेगा और आपको आसानी होगी समझने में भी। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों है, जो आप बेसिक बुक्स आपकी आती है, रेगुलर बेसिक बुक्स, आप उसको रीड करिए। बेसिक बुक को ही आप रीड करिए। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको पढ़िए। अगर आप अदर से हेल्प लेना चाहते हैं तो साइड बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक बुक को पढ़िए, उसको बंद करिए, आपने क्या समझा उसको अपनी कॉपी में नोट करिए, डेरिवेशन को आप देखिए कौन सा डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आया है। अगर कोई डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है तो अदर प्रेफरेंस बुक उठाइए, उससे देखिए, फिर टीचर से पूछिए, जाइए डाउट अपना क्लियर करिए। उस तरह से फिजिक्स आपकी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद देखिए आप क्या करिए, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपकी फिजिक्स में इंटरेस्ट और बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कल कोई चैप्टर पढ़ाने वाला है क्लास में, या कोई कोचिंग में चैप्टर पढ़ाया जाना, तो आप उसके लिए एडवांस में स्टडी घर से करके जाइए। उससे होगा क्या कि आपको जो समझ में आएगा, अगर आपके जो डाउट होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे, तो आपको और मजा भी आएगा पढ़ने में और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा और आप ज्यादा क्लास में उत्साहित रहेंगे और आप हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो दोस्तों देखिए अगली टिप मेरी इसी से रिलेटेड है, क्लास में एक्टिव रहिए। आप क्लास में एक्टिव रहेंगे उतना आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे आप क्लास में जाने वाले हैं तो क्लास में जो चीज पढ़ाई जा रही है, जैसे अगर फोर्स में पढ़ाया जा रहा है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, तो आप भी उसमें बोलिए, आप पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चंस अराइज करिए, क्वेश्चंस पुट अप करिए टीचर से, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए, आप उस अपने वर्ड्स में उसको लिख सकिए। दोस्तों बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने वर्ड्स में भी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन गलत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आप क्लास में एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तब आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट दोस्तों मेरा ये है कि देखिए सॉल्व एग्जांपल को आप कैसे सॉल्व करिए। सॉल्व एग्जांपल को आप लीजिए, पढ़िए और उसको समझिए, फिर आपने पेन पेपर पे सॉल्व करिए उसको,
फिर उसको देखिए कि कहां पे आप एरर कर रहे हैं, इसका क्या कोई अलग मेथड हो सकता है सॉल्व करने का, वो कैसे आएगा। जब आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नाइन्थ टिप दोस्तों मेरी ये है कि जितने भी ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए। अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पे कमांड पा जाएंगे तो थ्योरी आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और वो कैसे होगा, जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। मैं आपसे कहूंगा थ्योरेटिकल के लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए और न्यूमेरिकल से एक अलग बनाइए, जिससे आपके पास न्यूमेरिकल्स के अच्छे कलेक्शन हो और एग्जाम के पहले जब आप जा रहे हो तो एक बार आप उसको रिकैप करके बहुत ही आसानी से चले जाएं और आपका न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स करने का तरीका क्या है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, उसके बेसिस पे चार पांच न्यूमेरिकल खुद से लगाइए, फिर अगला सॉल्व एग्जांपल देखिए, उसके बेसिस ऐसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करिए, पॉइंट आउट करिए, फिर उनको लगाइए, उसको सर्कल करिए और कई बार उसको सॉल्व करिए। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछिए और डाउट को अपने क्लियर करिए। अब दोस्तों बात आती है अदर सोर्सेस की, अदर सोर्सेस में आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अलग बात है। अगर आप और भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, आप अदर बुक्स को प्रेफर करिए, अपने टीचर से ज्यादा डाउट पूछिए। इस तरह से आप करेंगे, ये 10 टिप्स मैंने आपको बता दी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपके फिजिक्स में एक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आइंस्टीन ने दोस्तों एक बात कही थी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दी जाए और मुझे उसके लिए एक घंटे दी जाए तो मैं 55 मिनट सोचने में और 5 मिनट लगाने में लगाऊंगा। इस बात के साथ ही दोस्तों यहाँ पे वीडियो मेरा एंड होता है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए। थैंक यू।